वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से न्यूमेरिकल हो सकता है कि फाइंड ए पॉइंट, ठीक है ना। तो पॉइंट तो सीधी सी बात है, एक्स कोमा वाई से बनेगा, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ऑन कराओ, ये री कराओ, इस तरीके से। एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो सीधी सी बात है, जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन की बात हो, ठीक है ना। मेन बात होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। लाइन लिखो या फिर उसको स्ट्रेट लाइन लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। नॉर्मली लाइन कह देते हैं डायरेक्ट, लेकिन एक्चुअल में होता है स्ट्रेट लाइन। तो जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी हो तो बस ये दो बात याद रखना हमेशा ही, ठीक है ना। एक तो स्लोप चाहिए, कोई भी लाइन हो उसका स्लोप कितना है, ठीक है ना। इस तरीके से स्लोप, स्लोप के दो फॉर्मूले, या तो टेंजेंट थीटा होगा या फिर डी वाई बाई डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा पर दो कंडीशन थी, वो भी पता होनी चाहिए। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट, वो है पॉइंट, मतलब कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन है उसका पॉइंट आ जाए, ठीक है ना। पॉइंट आ जाए, अब एक लाइन पर तो हमने कहा था कि एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो अब जरूरी थोड़ी ना कि एक ही पॉइंट हो, कभी दो पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन कम से कम एक तो आ जाए, कहने का ये मतलब। तो वहाँ से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, इस वजह से। तो दो बातें होनी चाहिए। अब यहाँ पर पॉइंट निकालना है, मतलब सिर्फ ये कंडीशन निकालनी है, ठीक है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, ठीक है। एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट तो एक लाइन थी, अगर याद हो तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक लाइन थी, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो टेंजेंट है, ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का यहाँ पर एक बात याद हो तो, ठीक है ना, कि नोट्स रिमार्क्स के बारे में पढ़ा था हमने, टेंजेंट और नॉर्मल के रिमार्क्स, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, जैसे ग्राफ से समझना चाहते हो, जैसे ये थी एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इसके पैरेलल ये, मतलब ये लाइन हो सकती है, ये हो सकती है, इनफाइनाइट होंगी, ठीक है ना। कोई भी एक समझ लो, जैसे ये बात कर लो टेंजेंट है, ठीक है ना, इसके पैरेलल, मतलब जो कभी भी ना मिले, पैरेलल को इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर, अब ये कभी भी ना मिले तो अब यहाँ पर स्लोप क्या होगा, बस ये काम की बात थी कि यहाँ पर जो ये लाइन है ऊपर वाली, जो ये टेंजेंट है, अब यहाँ पर एक दूसरे पैरेलल है, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब हुआ यहाँ पर जो थीटा है वो है 0 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है ना। थीटा बना 0 डिग्री, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट कहा था कि डी वाई बाई डी एक्स 0 के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से कह सकते हो कि डी वाई का मतलब था चेंज इन वाई, तो मतलब वाई का तो कोई सिंगल पॉइंट होगा, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है ना, मतलब वाई पर इस तरीके कोई सिंगल पॉइंट है, तो इसलिए 0/x पर तो चेंज होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। ये मत कह देना कि 0/0 फॉर्म है, फिर बात गलत हो जाएगी, क्योंकि 0/0 फॉर्म नॉट डिफाइंड होती है, मतलब एक्स पर कुछ चेंज होना चाहिए लेकिन वाई पर ना हो, कहने का ये मतलब है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में dy/dx 0 हो जाता है, 0 नीचे कुछ फैक्टर आएगा तो 0 के इक्वल, या फिर इस तरीके से कह सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है सेकंड वाली, लेकिन ये पहली बात में एक कमी है, क्या कि पैरेलल है। अब पैरेलल थीटा 0 डिग्री का होने का मतलब क्या है, जैसे अगर इसकी डायरेक्शन ये है, वेक्टर से बात समझ में आ जाएगी ये बात, ठीक है ना, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जाओगे तो बात है बिल्कुल सही कि पैरेलल है, ठीक है ना। इस तरीके से मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते, मतलब कि ये लाइन छोटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैरेलल होनी चाहिए, कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा 0 डिग्री, अब जरूरी थोड़ी ना, अब जो इसकी डायरेक्शन ये हो तो फिर 0 डिग्री थोड़ी ना होगा एंगल, फिर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये दो बात होंगी जब पैरेलल की बात आ जाए, तो इस तरीके 0 डिग्री 180 डिग्री, लेकिन स्लोप था टेंजेंट थीटा, स्लोप किसके बराबर था, टेंजेंट थीटा के, सही बात है। तो यहाँ पर टेंजेंट 0 होता है और टेंजेंट 180 भी 0 होता है, बस ये पता होना चाहिए हमें, चेक कर लो 180 को, टेंजेंट 180 के दो तरीके हैं, ये अप्लाई कर लो कि 180-0, इस तरीके से कोई तरीका, या फिर ये वाला तरीका अप्लाई करो 90+90, कोई भी एक तरीका अप्लाई कर लो, कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। तो टेंजेंट 180-0, तो इस 180 की वजह से अगर याद हो तो, ठीक है ना, क्या बेस था कि जब इवन पावर, मतलब इवन पावर नहीं सिर्फ इवन, मतलब या फिर कहो कि इवन के मल्टीपल, ठीक है ना, इवन के मल्टीपल, या फिर कहो कि 180 के मल्टीपल, इस तरीके 180 या फिर 360, इस तरीके से बात होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेंजेंट टेंजेंट में रहेगा अगर याद हो तो, ठीक है ना, इस तरीके से टेंजेंट टेंजेंट में रहेगा, टेंजेंट 0 डिग्री, इस तरीके से। लेकिन 180 माइनस, फिर पढ़ना माइनस साइन को, उसके लिए ये ट्रिक थी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 180 यहाँ पर होता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 90,
ठीक है ना। और 180 का मतलब यहां पर, सही बात है। अब यहां पर तो 180 माइनस किसको देखना हमने, इसको जिसको कन्वर्ट कर रहे हो टेंजेंट को। सेकंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव, उन बाकी चार में टेंजेंट भी होता है तो माइनस साइन। लेकिन टेंजेंट जीरो जीरो होता तो माइनस जीरो, सिंपली जीरो लिखते क्योंकि जीरो एक अलग इंटीजर है इस वजह से, सही बात है। या फिर इससे सोल्व करोगे तो भी वही बात आएगी, कोई भी एक तरीका अप्लाई कर लो। तो सीधी सी बात है, पैरेलल में तो दो कंडीशन है, मतलब अगर थीटा से समझना चाहते हो तो ये दो बात होंगी, ठीक है ना, इस वजह से। हाँ अगर डी वाई बाई डी एक्स से समझना चाहते हो फिर डायरेक्ट ये बात होगी कि जीरो के बराबर। तो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर पॉइंट निकालना था, ये रिव करो, ठीक है। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, उसका स्लोप जीरो है, डी वाई बाई डी एक्स कितना, जीरो। बस यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जीरो निकाल दो, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स जीरो लिख लो। अब ये हुआ एक स्लोप डी वाई बाई डी एक्स, एक हमें भी निकालना था। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर दो इसका डिफरेंशिएशन, किसके बराबर होगा, सिर्फ कैलकुलेशन, टू एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर का। तो टू कॉन्स्टेंट है सबसे पहले इसका, ठीक है ना, टू कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वेयर का, पावर रूल से पावर आगे पावर में से एक कम, इन टू बेस एक्स का वन भी यहाँ पर, फिर माइनस का साइन, ठीक है ना, सिक्स और एक्स का वन हो जाएगा, फिर माइनस फोर में ना एक्स ना वाई तो जीरो, इस तरीके सिर्फ कैलकुलेशन है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, इन दोनों को कंपेयर कर लो और यहाँ से वाई आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है ना। बस ये बात हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कब अप्लाई होगी, इस तरीके से। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस में क्या होता है अगर याद हो तो, पैरेलल टू वाई एक्सिस लिखा हो तो इसी की जगह, तो एक्स और तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी एक्स बाई डी वाई जीरो हो जाएगा अगर याद हो तो डायरेक्ट, ठीक है ना। या फिर इस तरीके से डायरेक्ट ही कह दो कि एक्स और वाई भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इन दो लाइनों को देख लो, दो लाइन परपेंडिकुलर हो, क्या कहा था हमने, दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे, बिल्कुल सही बात है ना, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, माइनस साइन खत्म हो जाएगा, जीरो में नहीं लिखते ना माइनस ना प्लस, क्योंकि जीरो एक अलग इंटीजर होता है इस वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ रेसिप्रोकल वाली बात होगी, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो इस तरीके से, ठीक है ना। या फिर इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब इस तरीके से कि माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो वहाँ से ये जीरो के बराबर है, तो वहाँ से ये बात आ जाएगी, इसको सोल्व करके इस तरीके, सिर्फ कैलकुलेशन की बात है। या फिर इसकी डेफिनेशन याद हो, मतलब इस तरीके समझना चाहते हो तो भी बात सही है, ठीक है। हाँ पैरेलल में जब एंगल की बात करोगे तो दो केस होते हैं, बस ये पॉइंट था काम का, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरीके सेकंड न्यूमेरिकल की फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सबसे पहले नॉर्मल की नहीं निकलेगी कभी भी, ठीक है। हाँ निकल सकती है, लेकिन कब निकलेगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप किसका होता है, टेंजेंट का होता है। बस ये इक्वेशन ऑफ लाइन का नहीं, ये स्लोप तो है लेकिन टेंजेंट का, ये पॉइंट काम का यहाँ पर, क्यों, क्योंकि नॉर्मल भी तो एक लाइन थी अगर याद हो तो, इस वजह से। तो यहाँ पर टेंजेंट वर्ड काम का है, ठीक है ना। हाँ अगर स्लोप डायरेक्ट यूज करना चाहते हो नॉर्मल में, फिर स्लोप किसके बराबर हो जाता है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, या फिर इस तरीके से लिखो डी एक्स बाई डी वाई, इस तरीके से। मतलब अब तक इसको डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था, या फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो इसका, तो ये मतलब है नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, तो वो भी बात सही है। तो वहाँ से डायरेक्ट निकालना चाहते हो स्लोप, बात वही है, ठीक है ना, इस तरीके से। एट पॉइंट हुज अब सी साइज टू, अब यहाँ पर स्लोप थोड़ी नहीं दी उसने, अब सीसा अब जैसे पॉइंट बनता है एक्स कोमा वाई से, कोई भी पॉइंट जैसे पी एक्स कोमा वाई, अगर याद हो तो इस पी कोमा एक्स, मतलब पी एक्स कोमा वाई को क्या कहते हैं, इस एक्स पोर्शन को क्या कहेंगे, अब सीसा, इस तरीके से, ठीक है ना। और वाई वाले को यहाँ पर ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट, इस तरीके से। और जो दोनों से मिलकर बने उसे एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, इस तरीके से। बस ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब सीसा दो होने का मतलब क्या है, इसका पॉइंट दे दिया इस तरीके से, पॉइंट किस तरीके से बना, टू कोमा, जैसे टू अब सीसा एक्स, और यहाँ पर अब सीसा टू है इस तरीके से, तो अब यहाँ पर सिर्फ अब सीसा दी, ठीक है ना। तो बस ये अब सीसा मतलब एक्स की वैल्यू दो दे दी इसने, कहने का ये मतलब है। अब यहाँ पर ये मत कह देना कि अब सीसा दो है तो वाई की, मतलब ऑर्डिनेट की बात नहीं हो रही तो वाई जीरो, हमें थोड़ी ना पता कि वाई जीरो हो गया फिर नहीं, इस वजह से, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर एक्स की वैल्यू दो रखो, कहाँ पर रखोगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, या फिर ये डी एक्स बाई डी वाई निकालो, तो उस इक्वेशन में ये एक्स की वैल्यू दो रख देना, वाई आ जाएगा, फिर उसको सोल्व करके इन दो को सोल्व करके एक्स एक्स और वाई आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कब निकलेगी, जब दो बात हो इस तरीके से, स्लोप और पॉइंट हो इस तरीके से, ठीक है ना।
तो स्लोप अपने आप ही आ जाएगा इस तरीके से डी एक्स बाई डी वाई, सिर्फ कैलकुलेशन की बात है। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, टू करो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट भी एक लाइन है, तो स्लोप और पॉइंट तक पहुंचना, कहने का ये मतलब है। ये करो, इसका फायदा उठा लो, ठीक है ना, इसका फायदा ये देगी, सीधी सी बात है, स्लोप देगी ये तो, ठीक है ना। टेंजेंट की बात आ जाए तो मतलब कोई करो टेंजेंट हो या फिर नॉर्मल हो, तो वहां से तो स्लोप निकलेगा, कहने का यह मतलब है। ये डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी एक्स बाई डी वाई निकालो, बात वही है, कौन सी चीज की बात हो रही है इस वजह से, ठीक है। एट पॉइंट वेयर पॉइंट कट्स दी एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब क्या कहना चाहते हैं, ये जिसका टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहने का मतलब क्या है, जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इसका टेंजेंट, मतलब टेंजेंट तो कोई सिंगल पॉइंट था अगर याद हो तो, मतलब इस तरीके का डायग्राम बना, या फिर इस तरीके का डायग्राम समझ लो, कोई भी कर्व हो सकती है, इस तरीके की कर्व हो सकती है, ठीक है ना। तो मतलब इस एक सिंगल पॉइंट की बात हो रही है। टेंजेंट क्या थी, टेंजेंट तो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो एक सिंगल पॉइंट से पास आउट हो, इस तरीके से समझी थी ये बात हमने, ठीक है ना। तो सिंगल पॉइंट की बात हो रही है। कट्स दी एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि इस पूरी एक्स एक्सिस पर एक बात होती है काम की, एक्स एक्सिस की खास बात क्या होती है, पूरी पर वाई जीरो मिलेगा, और इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, बस ये पॉइंट है काम का यहाँ पर, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कभी पूछी हो तो एक्स एक्सिस की खास बात भी यही है कि पूरी पर वाई जीरो, ये रहा वाई, तो इस पर तो जीरो है ना, इस पूरी एक्स पर, इस वजह से तो वाई जीरो के बराबर, ठीक है ना। तो वाई जीरो है तो यहाँ पर वाई का मतलब ऑर्डिनेट जीरो है, तो जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू दो थी, अब की बार वाई की वैल्यू जीरो है, कहने का ये मतलब कोई भी यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कुछ भी यहाँ पर पूछा हो, बस यहाँ पर बेस पता होना चाहिए हमें, कि सिर्फ जब भी लाइन की बात हो तो दो पॉइंट याद रखने, एक तो उसका स्लोप आ जाए, स्लोप आएगा जब भी टेंजेंट और नॉर्मल की बात करे वो, ठीक है ना, इस तरीके से टेंजेंट और नॉर्मल की बात करें। और पॉइंट कहाँ से आएगा, पॉइंट वहाँ पर कोई कंडीशन दी होगी एक और, जैसे ये रही, ठीक है ना, एक और कंडीशन साथ में गिवन होगी इस तरीके से, या फिर पॉइंट डायरेक्ट भी गिवन हो सकते हैं तो भी काम के, इस तरीके से, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।